अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम माय यूट्यूब चैनल AMJAD EDITS। दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक न्यू ट्यूटोरियल लेके आया हूँ। ये देख के आप स्क्रीन पर देख सकते हो, आज हम इस तरह की फोटो एडिटिंग करेंगे। एक लाइटरूम और दूसरी पिक्सार्ट से, दोनों आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेने हैं। और जो भी बैकग्राउंड PNG मैं इस्तेमाल करूँगा उसका लिंक मैं दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। अब हम चलते हैं लाइटरूम। गाइस, ये देखिए, अब लाइटरूम में मैंने आपने भी ऐड कर लेना है। उसके बाद आप कलर पे जाना है। कलर पे जाने के बाद मिक्स कलर में जाना है। मिक्स कलर में जाने के बाद आपने येलो सिचुएशन को मैनेज कर देना है। उसके बाद ग्रीन को सिलेक्ट कर लेना है, उसके भी सिचुएशन को मैनेज कर देना है। उसके बाद स्काई कलर को सिलेक्ट कर लेना है, उसके भी सिचुएशन को मैनेज कर लेना है। उसके बाद वीडियोस को सब को इसी तरह से सिचुएशन को मैनेज करते जाना है। इसको हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। उसके बाद हम डन कर देते हैं। डन करने के बाद आपने सिलेक्टिव पे जाना है। सिलेक्टिव पे जाने के बाद आपने प्लस बटन पे टैप करना है, ब्रश को सिलेक्ट कर लेना है। इस तरह से अप्लाई करने लेने के बाद आपने कलर में जाना है, सिचुएशन को इस तरह से मैनेज करना है। उसके बाद हम डन कर देते हैं। डन करने के बाद अब हम जाते हैं यहाँ पे लाइट पे। लाइट पे जाने के बाद क्लियर को थोड़ा सा कम कर देते हैं। उसके बाद कलर के आगे वाले ऑप्शन पे जाते हैं। कलर को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। विंटेज को थोड़ा सा मैच कर देते हैं। उसके बाद डन कर देते हैं। शेयर पे जाने के बाद आपको इस मॉडल को अपने सेव कर लेना है। सेव कर लेने के बाद आपने पिक्सार्ट पे चले जाना है। लेकिन गाइस, मैंने पिक्सार्ट को ओपन कर लिया है। इतना का वीडियो ओपन होगा। उसके बाद आपने प्लस के आइकन पे टैप करना है। प्लस के आइकन पे टैप करने के बाद ये देखिए, जो अभी हमने पिक को सेव किया लाइटरूम में, ये देखिए आ गई है। उसके बाद आपने यहाँ पे जाना है ऐड फोटोज में। ऐड फोटोज में जाने के बाद आपने लाइट PNG को ऐड कर लेना है। देखिए, मैंने लाइट PNG को दोनों ऐड कर लिया है। उसके बाद बड़ा करने के बाद आपने ब्लेंडिंग ब्लेंड में जाना है। इसको स्क्रीन कर देना है। ये देखिए, स्क्रीन करने के बाद स्क्रीन कर लेना। स्क्रीन करने ये देखिए पॉजिटिव मैच कर देनी है। ऑपोजिट मैच करने के बाद इसको आपने फिर से कर लेना है। सेव हो गई है। उसके बाद फिर हम ऐड फोटोज़ में जाएंगे। ऐड फोटोज़ में जाने के बाद आपने ये PNG ऐड कर लेना है। उसके यहाँ पे हम सेट कर लेते हैं। ब्लेंड में जाना, ब्लेंड में जाने के बाद स्क्रीन कर लेना कर लिया है। उसके बाद देखिए, ये स्क्रीन हो गया है। उसके बाद आपने डन कर देना। डन करने के बाद गई, ये देखिए आपने डन कर देना है। उसके बाद आपने फिर ऐड फोटो में जाना। ऐड फोटो में जाने के बाद जो भी आपने PNG लगा कर सेव की थी, उसको आपने ये देखिए ऐड कर लेना है। मैंने ये देखिए ऐड कर लिया है। सॉरी गाइस, ये पिक ऐड कर लिया है। मैं वही पिक ऐड कर लेता हूँ। देखिए, मैंने ऐड कर लिया। उसके बाद इसको हम थोड़ा सा अच्छी तरह से यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। ऑपोजिट थोड़ा सा मैंने करके हम इसको चेक कर लेते हैं कहाँ पर लगानी है। ये देखें गाइस, इस तरह से आपने एडजस्ट कर लेना। उसके बाद आप कलर पे जाने के बाद इन्वर्ट कर देना। इन्वर्ट के बाद रेस्टोर को ब्रश को सिलेक्ट करने के बाद ऑपेसिटी अंडरस्कोर से कम करने के बाद साइज बढ़ा देना है। उसके बाद
बार डन कर देना है। उसके बाद इसके ऊपर से वीडियो को पुल कर देना है, ये देखिए गाइस। उसके बाद इस पिक को हमने डुप्लीकेट कर लेना है और जाना है यहाँ पर डुप्लीकेट कर लेना है। डुप्लीकेट कर लेने के बाद इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ये देखेंगे वो बटन में एक को भी क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप इसको यहाँ पे लगा लेना है, फिर इसको डुप्लीकेट कर लेना है। डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ पे आपको ये नजर आ रही है, फिर डुप्लीकेट कर लेना है। ये हो गया है। और इसी तरह आपने सब में एडजस्ट कर लेने के बाद फिर ऐड फोटोज में जाना है। ऐड फोटोज में जाने के बाद इस PNG को आपने ऐड कर लेना है। तो एडिटर को ऐड कर लेने के बाद आपने अच्छी तरह से यहाँ एडजस्ट कर लेना है और ब्लेंड में जाना है, इसको स्क्रीन कर लेना है। गाइस ये देखें, इसको स्क्रीन कर लेने के बाद इसका दरमियान में एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट कर लेना है, एडजस्ट करने के बाद ये एडजस्ट हो गया है। उसके बाद हम यहाँ से डन कर देते हैं। ये देखो डन हो गया है, ये देखिए। तो उसके बाद आपने टूल्स में जाना है। टूल्स में जाने के बाद एडजस्ट में जाना है और इसकी ब्राइटनेस को थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं, 4 या 5 पे रख देते हैं। चेंज रख लेते हैं। उसके बाद कंट्रास्ट को थोड़ा सा माइनस कर लेते हैं, 8-9 पे रख लेते हैं। उसके बाद सैचुरेशन में जाएंगे, सैचुरेशन को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। पच्चीस 26 पे रख लेना है। उसके बाद हाईलाइट्स को थोड़ा सा हमने कम कर देना है। उसके बाद डन कर देना है। ये देखें बिफोर और आफ्टर। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं एक न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ये थी आज की वीडियो और मिलती है अब नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।